जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतना ही साफ दिल रखता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद करो। जब तुम दुनिया की मुफलसी से तंग आ जाओ और रिज़्क़ का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तजारत करो। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ हों हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। माफ़ी मांगना ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अज़ीज़ रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। बेऐब इंसान तलाश मत करो वरना अकेले रह जाओगे। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। हज़रत अली रज़ी से किसी शख्स ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढूं, मगर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ये नींद की वजह नहीं बल्कि तुम जो सारे दिन में जो गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां बनकर तुम्हें उठने नहीं देते। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर उनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, उस शख्स की दोस्ती पर एतबार न कर जो अपने इकरार को पूरा न करता हो। ये दुनिया एक मुकर्रर वक़्त तक रहेगी और आखरत हमेशा तक। माफ़ करना सबसे ज़्यादा उसे ज़ेब देता है जो सज़ा देने पर कादर हो। जिसकी उम्मीदें अल्लाह के साथ हों वो कभी नाकाम नहीं होता। नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया वालों से वाबस्ता हों। अच्छा दोस्त हाथ और आँख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आँख रोती है, और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू साफ करता है। इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देना पड़ती, मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। जो हक को छोड़कर इज्जत का तलबगार होता है जलील होकर रहता है, और जो हक के साथ दुश्मनी रखता है जिल्लत उसका हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाती है। हथियारों से जंग तो जीती जा सकती है मगर दिल नहीं, दिल तो किरदार से जीते जाते हैं। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। आदत पर गालब आना कमाल फजीलत है। बारिश का कतरा सीपी और सांप दोनों पर गिरता है, जबकि सांप उसे जहर बना देता है और सीपी उसे मोती, जिसका जैसा ज़र्फ वैसी उसकी तख्लीक। बुरे साथी से तन्हाई अच्छी है।